प्रणाम, सिकंदर कुमार है और मैं बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज जो किसान आंदोलन चल रही है ना, मैं इसकी साथ दे रहा हूँ, क्योंकि जो आज जो बिल पास की गई ना, ये ना हमारे बिहार में 2006 से लागू है। हमारे बिहार में MSP है नहीं, जब 14 साल में हमारे बिहार की स्थिति है और यही चीज़ पूरे स्टेट में दिया जा रहा है, तो ये कैसे मानूँ कि ये जो कानून है हमारे किसान को जरूरी है या हित में है या इससे हमारे किसान भाइयों को मतलब फायदा हो, जबकि हमारे बिहार में खेती जो है ना, हम लोग हमारे पास भी कुछ खेती है जो खुद उतना ही वर्क करते हैं। जो आप मोदी तो कह रहे हैं बिहार के लोग सब मेरे साथ हैं। अरे कोई मैं साथ हूँ जी, बिहार में साथ, बिहार के साथ तो सब MBA में गड़बड़ किया है। मैं इनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना हमारे पास भी हम जैसे मैं वो किसान, मेरे पास ज़्यादा खेती तो नहीं है, लेकिन हाँ जो खेती करता हूँ ना उतना ही करता हूँ, जो बेचना है बस अपने भर, बाकी जो ज़्यादा पैसे की जरूरत हो ना, जैसे मैं बिहार से यहाँ पैसे कमाने के लिए आया, क्योंकि पता है वहाँ खेती करके ना कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बचता जी, जैसे जैसे जी भैया आज हमारे धान को धान की जैसे हमारे कटाई शुरू होती है ना, वैसे वैसे वहाँ पर ना जो प्राइस होती है मार्केट की वो डाउन हो जाती है, वो जब तक डाउन रहेगी जब तक किसान के सारा सेल ना हो जाते, जैसे ही सेल पूरे हो जाएगा ना तो चावल के दाम बढ़ जाती। आप किसान के साथ हो? बिल्कुल किसान के साथ हूँ, चावल के दाम बढ़ जाती और जब जैसे ही रोपने के टाइम आती, जब किसान कुछ चावल बेचना चाहते ना, उस टाइम चावल के भाव इतनी गिर जाते ना मत पूछो। तो ये प्राइवेट वहाँ जैसे MSP नहीं है, MSP नहीं है, इसके कारण वहाँ पर होती है, जैसे कि प्राइवेट है वो अपना मर्जी से मार्केट में, जब जैसे ही किसान की जब ज़रूरत होती है ना तो प्राइवेट मंडियों में अपने अनुसार मार्केट जो प्राइस है इशू करते हैं। मैं बॉर्डर पर हूँ ना, मैं हर संडे को बॉर्डर पर ही रहता हूँ जी, मैं हर संडे को बॉर्डर पर जाता हूँ, सिंगू बॉर्डर पर, मैं सिंगू गांव में रहता हूँ, हर संडे को ना सिंगू जैसे मैं तो यहाँ पर रोज़गार करने आया हूँ, ऐसे तो पूरा योगदान नहीं दे सकता, लेकिन संडे के संडे देता हूँ जी, वहाँ पर रहता हूँ और उनकी साथ देता हूँ कि एक किसानों के हित में फैसला हो, हमारे बिहार में जो MSP ना है वो आए, ताकि हम सब भी वहाँ पर खेती अच्छे से कर सकें, और इसके लिए जय जवान जय किसान।